दोस्तों कितनी शातिर तरीके से इस चोर ने इस लड़की के अकाउंट से 1,00,000 रुपए गायब कर देता है, आप देख के हैरान रह जाओगे। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग ऐसे ठगी से बच पाए। दोस्तों सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाली एक महिला एक लालची औरत है। जैसा कि आप देख सकते हो, घर में एंटर करते वक्त इसके हाथों से डेबिट कार्ड गिर जाता है। इस लालची औरत के गलती की वजह से देखिए उसके अकाउंट से अभी कुछ ही देर में 1,00,000 कैसे गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर में एक कमजोर सा दिखने वाला चोर बिल्डिंग में एंटर करता है। हालांकि इसकी बॉडी पे मत जाइए क्योंकि 25 किलो वाला इंसान थोड़ी देर में 1,00,000 का फ्रॉड करने वाला है। फिर बड़े ही शातिर तरीके से नीचे गिरा हुआ डेबिट कार्ड उठा के उसके बैक और फ्रंट का पिक्चर ले लेता है ताकि वो कार्ड डिटेल्स अपने पास रख ले। कार्ड की डिटेल्स चुराने के बाद वो एक्चुअली देखना चाहा कि कार्ड के ओनर कौन है। एक्चुअली वो एक बुद्धू और लालची जैसा कोई दिखा तो इसके काम आसान हो जाएगा। जैसे ही चोर ने लड़की को देखा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ इसको चुना लगाया जा सकता है। थोड़ी देर बाद चोर डिलीवरी बॉय बनके वहां आ जाता है। और डिलीवरी बॉय के हाथ में बहुत बड़ा पार्सल देख के लालची औरत ललचा जाती है। फिर चोर उस लड़की को डिलीवरी का ओटीपी शेयर करने के लिए बोलता है और लड़की इस जाल में फंस जाती है। तो चलिए सीधा उस लालची औरत के साथ बात करते हैं। तो आप इतनी पढ़ी लिखी लगते हैं और ऐसे ओटीपी किसी को ऐसे कैसे शेयर कर सकते हैं? एक्चुअली सर बात ये है कि पर डे कम से कम मेरे 5 या 6 पार्सल्स तो अमेजोन की डिफरेंट डिफरेंट साइट से आ ही जाते हैं। तो ऐसे एक पार्सल आया, एक्चुअली मैंने वो ऑर्डर नहीं किया था, मेरे दोस्त लोग भी ऐसे, जैसे कि मेरा बर्थडे आ रहा है तो मेरे दोस्त लोग भी गिफ्ट्स भेजना चालू कर दिए हैं। तो मैंने सोचा कि कोई मेरे फ्रेंड ने ही भेजा, तो मैं फ़ोन पर बात कर रही थी, उसने मुझे ओटीपी मांगा और मैं थोड़ा इधर उधर हो गए और मैंने देखा नहीं कि वो ओटीपी कहाँ से आया है। और मैंने उस बंदे के साथ में शेयर कर दिया और वो गया कि नहीं, जस्ट 5 मिनट बाद में ही मैसेज आया कि मेरा 1,00,000 रुपये डेबिट हो गया। वो बॉक्स में आखिर क्या निकला? कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं है, खाली डब्बा था तो इनको चूना लगा दिया गया है। हाँ कुछ बोल रही है, उसमें लिखा था कि तेरे को मैंने ठग दिया। तो आपने देखा कैसे, एक लाइव एग्जांपल हमने दिखाया किस तरह से आजकल फ्रॉड हो रहा है। तो ध्यान रहे दोस्तों, आप लोग बहुत पढ़े लिखे हो तो किसी अनजान को ओटीपी शेयर मत करो वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जो हाँ कि आज इन लड़की के साथ हुआ है। तो आगे से ध्यान रखेंगे आप, ऐसा किसी को ओटीपी शेयर करेंगे? नहीं सर जी। बस तो आप सबको भी एक वीडियो एक सबक होना चाहिए, किसी अनजान को ओटीपी शेयर मत करो। तो दोस्तों मैंने जैसे कहा आपको कि बहुत ध्यान रहेगा। जी बोलिए। हम लोग मोदी जी के तरफ से आए हैं, आपका वैक्सीनेशन का 2 डोज कंप्लीट हो गया है क्या? अच्छा मोदी जी ने भेजा है आपको, तो ये मुझे दोस्तों थोड़ा सेफ लग रहा है क्योंकि ट्रस्टेड सोर्स से आया है। तो हाँ मेरे 2 डोज कंप्लीट हो चुके हैं। आपको एक ओटीपी गया होगा तो मुझे थोड़ा दीजिए, तो हम लोग को वेरीफाई करना है। अच्छा ओटीपी, इनको भी ओटीपी चाहिए, 658012। तो दोस्तों अगर ऐसे है मोदी जी वगैरह ऐसे कहीं आए, चलते हैं फिर। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों जब तक पता ना चले कि कोई ट्रस्टेड सोर्स है। ये आपका डेबिट कार्ड है क्या? यस। कहाँ पे मिला? नीचे गिरा था। ओके सो थैंक यू सो मच। ओके भैया। या तो दोस्तों मेरे से भी कभी कभी गलती। दोस्तों हमेशा एक बात याद रखना, आप भले जितने भी स्मार्ट बन जाए लेकिन आपकी सोच जहां पे खत्म होती है चोर लुटेरों की सोच वहां पे शुरू होती है। तो कभी भी ओवर स्मार्ट मत बनो और हमेशा अपनी समझदारी दिखाओ और इन सब चीजों से बचो।